जब सलमान खान के पास पहनने को नहीं थे कपड़े और जूते। ग्यारह करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले सलमान खान ने संघर्ष का वो वक्त भी देखा है जब उनके पास ना तो स्टाइलिश कपड़े थे और ना ही अच्छे जूते। सलमान खान आज भी उस वक्त को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। ऐसी कई फिल्में हैं जिनके ऑडिशन पे जाने के लिए सलमान के दोस्तों ने उन्हें कपड़े और जूते गिफ्ट किए थे ताकि वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलने जा सके और सलमान को काम मिल सके। उन्हीं में से एक किस्सा है सलमान खान और सुनील शेट्टी का, इसे याद करके सलमान खान की आज भी आंखें भर जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सलमान से जुड़ा ये इमोशनल किस्सा आपको बताएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बगल में दिखने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा और चैनल को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा। एक बार सलमान खान मुंबई के बांद्रा की एक दुकान पे गए जहां उन्हें स्टोन वॉश जीन्स और जूते और एक पर्स बहुत पसंद आया, लेकिन सलमान उसकी कीमत देकर वहां से खाली हाथ वापस लौट गए क्योंकि उस वक्त उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपने मनपसंद के कपड़े खरीद सके। अगले दिन जिन कपड़े और जूतों को देख के सलमान खान दुकान पे ही छोड़ आए थे, वो सारा का सारा सामान सलमान के घर उन्हें गिफ्ट के तौर पे मिला। सलमान को पहले तो कुछ नहीं समझ में आया कि आखिरकार वो सभी चीजें उनके घर पे गिफ्ट किसने की, लेकिन बाद में पता चला कि वो तमाम चीजें सलमान को सुनील शेट्टी साहब ने गिफ्ट की थी। दरअसल जिस दुकान पे सलमान खरीदारी करने गए थे वो दुकान किसी और के नहीं बल्कि सुनील शेट्टी साहब की थी। हालांकि सलमान इस बात से बेखबर थे क्योंकि उस वक्त सुनील शेट्टी और सलमान खान एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। जिस वक्त सलमान खान दुकान पे कपड़े पसंद कर रहे थे उस वक्त खुद सुनील शेट्टी वहां मौजूद थे, लेकिन कमाल की बात ये थी कि सुनील शेट्टी साहब सलमान खान को पहचानते थे क्योंकि उन्होंने सलमान को अक्सर उस जिम में जाते देखा था जहां खुद सुनील शेट्टी एक्सरसाइज करने जाते थे। और जैसे ही सलमान सुनील की दुकान पे पहुंचे, सुनील साहब उन्हें देखते ही पहचान गए कि ये तो वही लड़का है जो उनके जिम में आता है। दुकान पे खड़े सुनील शेट्टी साहब ने सलमान की आंखों को देख के समझ लिया था कि सलमान को वो कपड़े और जूते कितने पसंद थे। साथ ही वो ये भी समझ गए थे कि सलमान उन चीजों को सिर्फ पैसों की वजह से नहीं खरीद पाए, इसीलिए सुनील शेट्टी ने तमाम चीजें सलमान को गिफ्ट के तौर पे उनके घर भिजवा दी थी। और तभी से सलमान खान सुनील शेट्टी के एहसान मंद हो गए और सालों बाद उन्होंने सुनील शेट्टी की बेटी अतिया शेट्टी को अपनी फिल्म में लॉन्च करके दोस्ती और एहसान दोनों का फर्ज पूरा किया। सलमान खान और सुनील शेट्टी की दोस्ती के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाले बटन को दबाइए और चैनल को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए।